नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल तापुशी हेल्दी डिशेस। आज मैं लेके आई हूँ पनीर एंड वेजिटेबल स्टफ्ड ब्रेड पॉकेट रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप चटपटा कुछ बनाना चाहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बनाने के लिए 100 ग्राम पनीर को छोटा छोटा करके काट लिए। प्याज, गाजर, कैप्सिकम, लाल मिर्च को छोटा टुकड़ा कर लिए। 100 ग्राम हरा मटर और धनिया पत्ता ले लिए। पैन गरम होने के बाद पैन में तेल डाल दिए। यहाँ मैंने सनफ्लावर तेल यूज़ किए हैं, आप चाहे तो बटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं तेल में प्याज, कैप्सिकम, गाजर और मिर्च डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें हरा मटर डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिए। मीडियम आंच में सारे स्टफिंग को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं उसमें 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस और टोमेटो सॉस डाल के अच्छे से मिला लेंगे। सारे अच्छे से मिलाने के बाद मैंने उसमें पनीर को डाल दिए। अब मैं थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। वेजिटेबल स्टफिंग अच्छे से बन के तैयार हो गए। अब मैं उसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी। ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज किए हैं, आप चाहे तो वाइट ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। अब एक चाकू से ब्रेड का चारों एजेस को अच्छी तरह से काट लिए। तो ब्रेड स्लाइस लेके उसको इस तरह से बेल लेंगे ताकि दो ब्रेड की स्लाइस अच्छे से चिपक जाए। अब एक ग्लास लेके उसी ब्रेड को राउंड शेप में काट लेंगे और बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा को ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे 6 ब्रेड स्लाइस लेके 3 राउंड शेप का ब्रेड तैयार कर लिए और जो बचा हुआ ब्रेड था उसी से मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। एक बर्तन में 1/2 कप आटा, थोड़ा सा नमक, चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगानो डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे। अब एक एक करके ब्रेड को उसी बैटर में डुबो के ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से मिला लेंगे। ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसको एक एक करके तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले धीमी आंच में फ्राई करेंगे। जब ब्रेड का कलर चेंज होने लगे और फूलने लगे तब उसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसको निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं फ्राई किए हुए ब्रेड को 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब कटे हुए ब्रेड के एक साइड में तंदूरी नूडल्स लगा लिए और एक साइड में धनिया और पुदीना पत्ते से बना हरे चटनी को लगा लिए। अब उसमें पनीर और वेजिटेबल स्टफिंग उसी कटे हुए ब्रेड में डाल के ब्रेड पॉकेट रेसिपी तैयार कर लिए।
तरह से एक एक करके सारे ब्रेड को तैयार कर दिए। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।